जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का पांचवा अध्याय सुना रही हूँ। सुनी दक्ष यज्ञ विद्वंस हित शिवकर कोप महान जटा पछाड़न सो रचियो वीरभद्र बलवान रुद्र रूप गण रुद्र से पाप अनुशासन घोर दक्ष नाश हित चल दिया लेकर खंड कठोर। सुनी श्री मैत्री जी कहने लगे जब शिव जी ने यह सब संवाद श्री नारद जी के मुख से सुना तो उन्होंने अति कुपित होकर शीघ्र ही अपने सिर से जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे पटकी। उसी समय क्रोध रूप वीरभद्र प्रकट हुआ। उनके हजारों हाथ मेघ के समान घोर काला रंग सूर्य के समान तीन विकराल दाढ़े अग्नि के समान तेजस्वी मुख था। फिर उस विकराल रूपधारी वीरभद्र ने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे क्या आज्ञा है। शंकर जी ने कहा हे वीरभद्र तुम जाओ और शीघ्र दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो तथा दक्ष के प्राण हर लो। बस इतना सुनते ही वीरभद्र संपूर्ण गणों को साथ लेकर वहां से चल दिए। तब पृथ्वी कांपने लगी महाभयंकर आंधी चलने लगी। यज्ञशाला में बैठे हुए ऋषि ध्वज तथा अन्य ब्राह्मण और देवगण यह सोचने लगे कि यह कैसा अंधेरा होता हुआ आ रहा है। दक्ष प्रजापति की स्त्री ने जान लिया कि यह शंकर जी का कोप प्रकट होकर इसी ओर चला आ रहा है। शंकर जी से वैर करके क्या कोई संसार में कल्याण पा सकता है। शिव द्रोही कदापि जीवित नहीं रह सकता। हे विदुर इसी प्रकार सभी परस्पर संकल्प विकल्प कर रहे थे कि इतने ही में वहां वीरभद्र आ पहुंचा। उनके गणों ने आते ही उस यज्ञ का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। किसी ने वहां मल मूत्र त्याग दिया, किसी ने ईंट पत्थर बरसाए, एक ने भृंगु को कस कर बांध लिया और भी ऋतजों को बांध लिया जिससे कि कोई भाग न पावे। शंकर जी के पार्षदों की भयंकर मार से सब देवता ऋतज्य आदि इधर उधर भाग गए। इनके अनंतर वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उनको पशु की भांति मारने लगा, तलवार से उनका गला काटने लगा, किंतु दक्ष का सिर नहीं कटा। बड़े प्रयत्न करने पर भी जब सिर नहीं कटने लगा तो वीरभद्र बहुत अचंभे में आए और विचार करने पर जिस प्रकार यज्ञ पशु को मारते हैं उसी प्रकार दक्ष को भी मार डाला और उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र के अनुयायियों ने वाह वाह शब्द किया तथा दक्ष के कुटुंबियों में हाहाकार होने लगा। इस प्रकार वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस करके और मंडप में आग लगा कर कैलाश पर्वत को लौट गए और समस्त शिवजी के गण उसी के पीछे चल दिए। पांचवा अध्याय समाप्तम। जय भोले की छठा अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुनने है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।